10th कंपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स की, गणित की। क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों के गुणक को के बीच में संबंध सत्यता ज्ञात करनी है। देखो बेटा कैसे होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे को, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो सबसे पहले हम इसे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हमारे को पता है यहाँ पे टू एक्स दे रखा है, तो उसका गुणनखंड क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एट। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। पहले ये घात होता है, फिर ये चार पदों में बढ़ जाता है। क्यों, कैसे हुआ ये, क्योंकि हमने एट की वन से मल्टीप्लाई करी। देखो इस एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर क्या था, वन, ये तो टू है मल्टीप्लाई करके, ये वाला नंबर क्या था, एट। हमने एट एट और वन की क्या करी, मल्टीप्लाई करी, तो एट आया। और एट के ऐसे फैक्टर जिससे दो लाना है, तो हमें पता है फोर टू जा एट, और फोर में से टू जाएगा तो क्या आएगा, टू आएगा। तो हमारा गुणनखंड इस तरीके से आया, फोर और टू। और हमारे को जो टू लाना है वो कौन सा लाना है, माइनस वाला लाना है। तो हमारे जो गुणनखंड बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एट बनेगा। समझ आया, तीन से चार पद में बदल जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, एक्स। तो इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस टू। बात समझ आ गई, इन दोनों में से एक एक्स बाहर निकल जाएगा, तो इसमें से एक एक्स बाहर निकल गया, तो एक एक्स यहाँ बचा, और यहाँ पे से भी एक्स बाहर निकल गया, तो यहाँ टू बचा, एक्स प्लस टू। इसी को आप दोबारा लिख देंगे इधर भी, एक्स प्लस टू। अगर फोर एक्स में से क्या निकल गया, आपका एक्स निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ, माइनस का फोर बचेगा, और एट में से टू निकल गया, तो यहाँ बचेगा माइनस का टू फोर। देखो फोर की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर एक्स, और फोर की टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट। तो पहले क्या करना है, कॉमन पद निकालना है, और फिर देखना है कि वो मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है, तो आ रहा है। तो मेरे जो पद बन गए वो क्या बन गया, एक एक्स प्लस टू, और एक बन गया मेरा एक्स माइनस फोर। ये इसके उत्तर है। तो जो इसके शून्यांक है वो क्या है, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फोर। और अगर इनको चाहें तो हम पूर्ण रूप से ऐसे निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ एक तो माइनस टू आ जाएगी, और दूसरे में एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो ये इसके क्या है, शून्यांक है। ऐसे हम इसका दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन में भी क्या है, शून्यांक है। शून्यांक क्या है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द्वितीय क्वेश्चन में फोर एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस वन, ये दे रखा है क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है हमें ऐसे दिया हुआ है, तो इसके भी गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। फोर एक्स लाना है, तो फोर की वन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फोर इंटू वन क्या होता है, फोर। और लाना क्या है, एड सब्ट्रैक्ट करके भी हमें फोर लाना, तो यानी टू इंटू टू क्या होता है, फोर। तो हम इसमें यूज क्या करेंगे, कौन से खंड यूज करेंगे, टू और टू वाले। तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन बन जाएगा। यानी ये जो माइनस वाला नंबर है ना, इसकी जगह ये दो पद आ गए। क्लियर है इतनी बात। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, टू और एस, दोनों में मिलेगा। तो इधर क्या बचेगा बेटा, इधर बचेगा टू एस और इधर बचेगा वन, ठीक है। और जो नंबर यहाँ आता है ना, उसी को दोबारा लिखते हैं, इधर भी टू एस माइनस वन। अब जब ये टू एस माइनस वन इधर आ गया, तो इसमें से क्या कॉमन बनेगा, क्या बचेगा, माइनस का वन। तो जो मेरे खंड बनेंगे वो क्या बनेगा, एक खंड बनेगा टू एस माइनस वन, और दूसरा भी टू एस माइनस वन। तो जो मेरे शून्यांक आएंगे वो क्या आ जाएंगे, टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो, और टू एस इक्वल टू वन, और एस की वैल्यू वन अपॉन टू। और दूसरे का भी यही है, तो दूसरे भी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन टू। तो दो शून्यांक जो आ गए मेरे वो क्या आ गए, वन अपॉन टू और वन अपॉन टू, यानी एक बटा दो और एक बटा दो। क्लियर है क्वेश्चन। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके। बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आपकी बार क्या करना है, आपको द्विघात बहुपद निकालना है, और इस बार शून्यांक दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको शून्यांक निकालना था, आपको द्विघात दिया हुआ था, क्या द्विघात बहुपद बनाना है आपको, और आपको शून्यांक दिए हुए हैं। तो शून्यांक क्या दिया है, एक तो दिया है वन अपॉन फोर और एक माइनस वन। ये दोनों आपको क्या दिए हैं, शून्यांक दिए हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको जो शून्यांक है वो कौन से दिए हैं, वन अपॉन फोर और माइनस वन। तो आपको ये दोनों शून्यांक दिए हैं, और इससे आपको क्या करना है, द्विघात बनाना है। तो जब भी द्विघात बनाना है ना, तो आप ध्यान रखना सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना द्विघात बनाने का। क्या फॉर्मूला था, द्विघात बनाने का फॉर्मूला था के
इसके बाद क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम, दो द्विघातों का सम यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स, और फिर इधर जमा इन्हीं दो द्विघातों का गुणनखंड अल्फा इंटू बीटा। ये ध्यान रखना, जब भी हमारे को दो शून्यांक दिए हो और हमें द्विघात बनाना हो तो फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा किसे कहेंगे, पहले पहले शून्यांक को, और बीटा किसे कहेंगे, दूसरे वाले शून्यांक को, और बस इन दोनों शून्यांकों को इस इक्वेशन में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 1/4 क्या रखेंगे, 1/4 x, क्योंकि ये जो नंबर है ये किसको दिखाता है, ये सम को दिखाता है, और ये नंबर किसको दिखाता है, ये गुणन को दिखाता है, ये किसको दिखाता है, जोड़ को, ये किसको दिखाता है, गुणा को। तो 1/4 x, और बीटा की जगह क्या लिख देंगे आप, प्लस माइनस 1। इतनी बात समझ आ गई बेटा, नहीं है सर, आ गई। अब आप क्या रखेंगे, ठीक है, अब ये के इक्वल टू 0, तो के तो बन गया तुम्हारा 0, यानी के जब इसके नीचे आएगा तो के हो जाएगा क्या, ये तो बन गया तुम्हारा 0, तो बचेगा इधर क्या, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x माइनस का। और इतनी बात समझ आई, ठीक है बेटा, समझ आया ना। देखो ये तो के तो बन गया, के तो इसके नीचे आया और बन गया 0, तो इधर क्या बचा, इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो माइनस 1/4 x, और ये क्या बन गया, माइनस का 1। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब इसमें क्या लेंगे हम, इसमें हम एलसीएम लेंगे, जिसे हम लघुत्तम बोलते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। अब ये हाँ तो 4 है, तो 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 x², इसके तो नीचे 4 है तो इसकी तो ऊपर तो होगी नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 1 x, और इस 4 की इससे भी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -4, और यहाँ पे क्या है 0 है। देखो इस 0 की इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है ना, और इसकी इससे 1 से तो कुछ भी नहीं है, तो ये हो गया 0 × 4, और इधर बन गया 4 x² प्लस 1 x का मतलब x -4, तो जो आपका द्विघात बनेगा वो बनेगा 4 x² प्लस एक्स माइनस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। कंपार्टमेंट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द्विघात का नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको शून्यांक दिए होते हैं और द्विघात बनाने होते। अगला क्वेश्चन देखो, द्विघात बनाना है इसमें भी, तो द्विघात में क्या बोला है कि इसके अर्थ के शून्यांक के योग और गुणनखंड, जो योग दिया है वो योग क्या दिया है, √2, और गुणनखंड क्या दिया है 1 3, और क्या बनाना है, द्विघात बनाना है। इस बार हमारे को योग वापस से मैंने बोल दिया, योग, योग का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दिया है √2, और गुणनखंड कितना दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3। तो मैंने क्या बताया आपको, इक्वेशन याद कर लेनी है, इक्वेशन क्या है भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस, इधर क्या बताया मैंने, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है, योग, अल्फा इंटू बीटा क्या है, गुणनखंड, इसको क्या बोलते हैं, योग, इस पर दूसरे वाले 0 को क्या बोलते हैं, गुणनखंड, यहाँ इक्वल टू 0, तो 0 के नीचे के आ गया, यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें अल्फा जमा बीटा की जगह क्या लिखेंगे √2 x, और गुणनखंड की जगह क्या लिख देंगे 1/3, समझ आया बेटा। तो ये तो बन गया 0, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 x प्लस 1/3, ठीक है। अब इसके बाद क्या लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे यानी एलसीएम, जब एलसीएम लेंगे नीचे 1, उनके नीचे 1 है तो सारे का एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो इस 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 x², इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 3 √2 x, और इससे तो करेंगे नहीं तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है 0, फिर क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 × 3 = 3 x² माइनस 3 √2 x प्लस 1, तो यहाँ तो बेटा 0 आ गया, तो आपका जो द्विघात समीकरण बनी हो क्या होनी 3 x² माइनस 3 √2 x प्लस 1, इसका उत्तर आ गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, क्लियर है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है,
और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो हमें क्या निकालना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा कैसे होगा क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में देखा दो संख्या, तो हमने माना माना प्रथम संख्या, फर्स्ट संख्या जो है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और जो सेकंड संख्या है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने वाई मान लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का जो अंतर, क्वेश्चन में बोला है ना कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, तो हमने दो संख्याओं का अंतर लिख दिया, एक संख्या एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमने प्रथम इक्वेशन बना ली। और फिर ये बोला है एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो एक पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, यानी अगर पहली संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या क्या है, 3 वाई है, और अगर हम इसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 0, ये हमारी द्वितीय इक्वेशन हो गई। अब हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारी संख्या ज्ञात हो जाएगी। पहली में बोला था एक संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है 26, तो हमने पहली संख्या को एक्स माना, दूसरी संख्या को वाई माना, और एक्स में से वाई को सब घटा दिया, ठीक है, और 26 एक इक्वेशन आई। दूसरी में बोला था पहली संख्या से दूसरी संख्या 3 गुना है, तो एक संख्या एक्स दूसरी 3 वाई, और फिर हमने इक्वेशन बनाने के लिए प्लस था, तो इधर आके क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, तो दूसरी इक्वेशन बन गई एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 0। अब हम जो हमारे को मेथड सीखे हैं, हमने उनमें से कोई भी एक मेथड लगा दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू 26 है ना इक्वेशन पहली, और दूसरी क्या है एक्स माइनस 3 वाई इक्वल टू 0, तो हम मेथड लगा देंगे, चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन, हमने माइनस करा ये कट गया, इसको हमने प्लस कर दिया और इसको हमने माइनस कर दिया, इसको प्लस करेंगे तो 3 में से वाई जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 वाई, और इधर क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। फिर हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और 26 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, तो हमारी एक संख्या जो वाई आई, वाई की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। अब दूसरी संख्या हम बोला है ना एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 26, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इक्वेशन क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26, एक्स की जगह एक्स रहना तो वाई की जगह रख दो 13 इक्वल टू 26। अब देखो यहाँ बेटा एक्स के साथ ये वाई 13 किसका है, माइनस का है ना, ये भी माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो 26 प्लस 13 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 39 आ जाएगी। तो हमारी जो जो संख्या है एक संख्या होगी 13 और एक हो जाएगी 30, एंड ये जो है हमने संख्याएं ज्ञात कर ली, ये हमारा उत्तर होगा, एक संख्या क्या होगी 13 और दूसरी संख्या होगी 39, यानी 13 और 39। समझ आया तरीका, जो क्वेश्चन ने बोला वैसे ही करना, पहली संख्या को एक्स मानो, दूसरी संख्या को वाई मानो, दोनों संख्या का जो अंतर है उसे लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो, तो दोनों कोण बताने हैं, तो सबसे पहले तो हमें संपूरक कोण पता होना चाहिए, तो संपूरक कोण कौन से होते हैं, जिन कोणों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे दो कोण, ठीक है ना भाई, तो फिर हमारा इस तरीके से क्या होगा क्वेश्चन हो जाएगा, हम क्या करेंगे, माना पहला कोण, फर्स्ट कोण जो है वो क्या है, वो एक्स है, और दूसरा जो कोण है वो क्या है, वो वाई है, हमें तो पता है ना त्रिभुज की बात करें या किसी की बात करें तो उसमें कोण कितने होते हैं, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, याद रखना, चतुर्भुज में, चतुर्भुज की बात करें तो उसमें 4 कोण होते हैं, आयत वर्ग में 4 कोण होते हैं, याद रखना, पर यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, संपूरक कोण की, तो जो संपूरक कोण होते हैं हमेशा उनका जोड़ कितना होता है, संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है भाई 180, ये बात याद रखो, तो दो कोणों का सम कितना होगा 180, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखी है, बोला दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ठीक है हमने दो कोण ले लिए, ये हमारा फर्स्ट कोण, ये सेकंड कोण, हमने सोचा सेकंड कोण जो है हमारे प्रथम कोण से बड़ा है, ये कोण बड़ा कोण मान लो, इसे मान लो बड़ा कोण, इसे मान लो छोटा कोण, लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण कितना छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ऐसे बोला है ना, उससे अधिक कर दो भाई बड़े कोण को, ये लो ये छोटा कोण है, बड़ा कोण कितना है इससे 18 अधिक है, ये तुम्हारी इससे दूसरी इक्वेशन निकल जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये दूसरी इक्वेशन निकल गई, हमने सॉल्व कर दो बेटा,
पहली क्वेश्चन में तो याद रखना कि संपूरक कोणों का सम कितना 180, और दूसरी में बोला छोटे कोण से बड़ा कोण कितना अधिक है, 18 अधिक है। फिर हमने क्या करा, प्लस का वाई इधर ले गया और इसे माइनस कर दिया, ये हमारी दूसरी इक्वेशन निकल गई। फिर हमने इनको सॉल्व कर दिया, है ना, इतना तो आपको आता ही है। ठीक है ना बेटा, अब कर लो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ही कट गया, ये हो गया 2y, 180 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 8 गया 2, तो 7, 7 में से 1 गया 6, ये हो गया 162, और वाई की वैल्यू आ गई 162 डिवाइड बाई 2, तो 16 दो कर दो, जो वाई है तुम्हारा एक कोण जो है वो कितना आ गया, 81 आ गया। सब बाकी क्वेश्चन में दे ही रखा है, दो कोणों में दे रखा है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है 180 है, ऐसे ही बोला हुआ है हमको, एक कोण में तुम्हारा क्या आ गया 81 आ गया। अब दूसरा कोण क्या बोला है, जो दूसरा कोण है बोला है ना क्वेश्चन में, एक कोण दूसरे कोण से कितना बड़ा है, 18 अधिक है। अगर वाई तुम्हारा 11 तो दूसरा एक्स कर लो, एक्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 81 प्लस 18, ये वाला नंबर जोड़ देना, वही वाई की वैल्यू क्या आ गई 81, और इसमें क्या जोड़ दो 18 जोड़ दो, 18 को जोड़ दो, क्या आ जाएगा 819, क्या आ जाएगा, क्योंकि दूसरा कोण है वो क्या आ जाएगा 99, तो एक कोण आ गया 81, दूसरा कोण आ गया 99। समझ आ बेटा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको प्रिपेयर करो, ठीक है, क्लास 10th गणित है ये, हिंदी मीडियम वालों के लिए।